हेलो गाइस, वेलकम टू डे एफओ। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। कल आईबीपीएस पीओ का स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है, तो अभी बच्चों का मन में चल रहा है कि सर फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर फटाफट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 2022 का जो 1 अप्रैल को आप लोगों को जो रिजल्ट देखने को मिलेगा उसको डिस्कस करने से पहले फर्स्ट हमें 2021 का बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बिकॉज जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, जस्ट ये वैकेंसी के ऊपर एंड कॉम्पिटिशन के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसी में ही थोड़ा सा वेरिएशंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं 2021 का बात करूं, देखिए 21 का जो मेंस का कट ऑफ था वो था 80.75। ठीक है, एंड ओबीसी का जो मेंस का कट ऑफ था 75.75, एससी का था 65.5, एसटी का था 57.25 एंड ईडब्ल्यूएस का था 71.25। तो फर्स्ट क्या होता है, जो आप लोगों का मेंस का जो मार्क्स होता है उसको आपको नॉर्मलाइज करना होता है। कितना में? 80 में नॉर्मलाइज करना होता है। अब इसको किस तरह करते हैं, थोड़ा फॉर्मूला का थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए आपको जितना भी मार्क्स मिला, मान लीजिए आपको मिला 100, आप उसको 225 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 80 कर दीजिए, तो इसमें आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज में जो 80 मार्क्स होगा तो उसमें आपका मार्क्स क्या होगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल कटअप में ये हो गया मिनिमम। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, इसका मीनिंग ये होता है आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर होने से आपका क्लियर है, इसके कोई लॉजिक नहीं बनता है कि आपको बहुत ज्यादा ऊपर होना पड़ेगा। नो, उसके कोई भी लॉजिक नहीं होता है। मिनिमम से स्लाइटली ऊपर होने से आपका कट ऑफ क्या हो गया, क्लियर। अभी देखिए जो लास्ट टाइम का 2021 का जो जनरल का जो मिनिमम कट ऑफ था वो था 47। ठीक है, ओबीसी का था 44, एससी का था 40.18, एसटी का था 37.89 एंड ईडब्ल्यूएस का था 45.20। ठीक है, अभी मैं जब मेंस का जो मार्क्स था उसको जब मैंने नॉर्मलाइज किया तो आपका आया, देखिए जनरल का आया 28.71, ओबीसी का 26.93, एससी का 23.29, एसटी का 20.36 एंड ईडब्ल्यूएस का 27.47। यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2021 में जब 28.71 जो मेरा मेंस का मार्क था ये टोटली कट ऑफ मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद भी आप लोग क्लियर करने का चांसेस है अगर आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होता है। आउट ऑफ 20 अगर आपको 19 मार्क्स मिलता है आपका क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस केस में आपका इंटरव्यू जो है ये बहुत ही बढ़िया होना पड़ेगा। मीनिंग को भी देखिए, रिमेनिंग का भी देखिए, यहाँ पे जो मार्क्स है अगर आप सिर्फ मेंस का मार्क्स भी लाए हो एंड इंटरव्यू अगर आपका अच्छा हुआ है, मींस अगर आप 17-18 आप स्कोर कर रहे हो, दैट मींस आपका फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल है। तो ये माइंड से हटा दीजिए कि अगर आपका मार्क्स मेंस मार्क्स के बराबर है या मेंस मार्क्स से 2 या 3 मार्क्स है तो आपका क्लियर होने का चांसेस नहीं है। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आपका मार्क्स मेंस मार्क्स का बराबर है या 2-3 मार्क्स ज्यादा है और इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं हुआ है, देन आप बोल सकते हो कि हाँ चांसेस थोड़ा सा कम थी। लास्ट ईयर जो रिवाइज वैकेंसी था वो 5809 था। ठीक है, तो अभी मैं इस साल का बात करता हूं। ठीक है, अभी देखिए इस साल का जो बात है, कट ऑफ जो है, इस साल का जो कट ऑफ है वो डाउन देखने को मिला है। ठीक है, ये देखिए डाउन देखने को मिला है। डाउन देखने का रीजन क्या था, वैकेंसी भी बहुत ज्यादा था, उसके साथ साथ जो पेपर भी था वो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से थोड़ा सा टफ देखने को मिला था। ठीक है, दोनों ही चीज था। अभी देखिए यही मार्क्स को जब मैं नॉर्मलाइज कर रहा 80 में, तो मेरा क्या आ गया, जनरल का गया 25.33, ओबीसी का गया 24.8, एससी का गया 21.7, ईडब्ल्यूएस का गया 25.07 एंड एसटी का गया 18.93। ठीक है, अभी देखिए कोई भी बच्चा अगर यही मार्क्स से पास किया है मेंस एंड इंटरव्यू अपीयर किया है, अगर वही बच्चा अगर इसमें 18-19 मार्क्स ला रहा है, देन उसका क्लियर होने का चांसेस है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं अगर बोलूं तो मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ जो जनरल का होना चाहिए वो 43 प्लस माइनस 2, तो मुझे प्लस 2 थोड़ा कमती लग रहा है, लेकिन माइनस होने का थोड़ा चांसेस मुझे ज्यादा लग रहा है। प्लस से ज्यादा मुझे माइनस होने का चांसेस मुझे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अगर मैं ओबीसी का बात बोलूं, ओबीसी का, तो ओबीसी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है 40 प्लस माइनस 2। ठीक है, अगर मैं ईडब्ल्यूएस का बात करता हूं तो मेरे हिसाब से लग रहा है 41.5 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो अभी अगर मैं एससी का बात करूं तो मेरे हिसाब से एससी का जो है वो 35 प्लस माइनस 2 एंड जो एसटी का होगा वो होगा 34 प्लस माइनस 2, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग नियरली 10,000 वैकेंसीज। ठीक है, अभी एक बात है कि जो बच्चे का मान लिया 10 मार्क्स ज्यादा है,
अगर आपका मेंस का मार्क्स कट ऑफ से 10-15 मार्क्स ज्यादा है, देन आपका जो डिफरेंस होगा वो 3-5 मार्क्स का आपका क्या होगा, यहां पे ज्यादा हो जाएगा। इन दिस केस अगर आपका इंटरव्यू एवरेज भी होता है, मान लीजिए आपको इंटरव्यू में 12 या 13 मार्क्स मिलने का चांसेस है, देन ऑल्सो आपका फाइनल सिलेक्शन का चांसेस है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे का मान लीजिए 20 ज्यादा है, 20-25 मार्क्स भी ज्यादा होता है बच्चों का, तो वो बच्चा अगर इंटरव्यू में 8-9 भी लाते हैं तभी उनका चांसेस है, बिकॉज उनका जो मेंस का जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा है। 20-25 मार्क्स ज्यादा लाना दैट इज बहुत अच्छा बात होता है एंड बहुत अच्छा स्कोर होता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, मतलब चांसेस आप नियरली 99% आप मान सकते हो उनका चांसेस है। ये हर कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपका स्कोर मेंस का मार्क्स से 10-15 मार्क्स अगर ज्यादा है, देन अगर इंटरव्यू अगर आपका एवरेज भी हो रहा है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन का चांसेस है, ठीक है। हाँ, अगर आपका मान लीजिए कि आपका जो कट ऑफ है वो मेंस से 2-3 मार्क्स से ज्यादा है एंड आपका जो इंटरव्यू हुआ है वो एवरेज इंटरव्यू हुआ है, उतना अच्छा नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि आपको 10-12 ही मिलेंगे, देन आपका थोड़ा सा चांसेस थोड़ा सा घट जाता है वहां पे। तो आई होप मैंने आप लोगों को जो समझाया एंड मैं समझाने की कोशिश की आप लोगों को समझ में आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।